अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों इस बात की सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर लेकर आया हूँ। सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोग साथ शेयर करने लगा हूँ। एपी सिंह की मुंह बोली बहन सीमा हैदर यहाँ से भाग चुकी है। दोस्तों रबुपुरा में मैं मौजूद हूँ, यहाँ से सीमा के बारे में कहा जा रहा है कि कोई यहाँ घर से बाहर निकली, एक किसी का गधा खड़ा था, गधे के ऊपर बैठ के सवार होके चली गई। उसकी वीडियो भी आप लोग साथ देख रहे होंगे कि एक वीडियो सीसीटीवी फुटेज भी हमें मौसूल हुई है कि वो यहाँ से भाग गई है। अब सीमा कहाँ जाती है, पहले सचिन के पास थी, अब कहाँ जा रही है, कहाँ जाएगी, तो आने वाले जो भी खबरें होंगी उसमें आप लोग साथ शेयर करेंगे। हमने कहा था कि सीमा का चरित्र ठीक नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरीके से सीमा को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ये खतरे से खाली नहीं। दोस्तों सीमा के हवाले से सबसे पहले आपके भाई ने यह खुलासा किया था कि सीमा रात को घर पे नहीं रहती, कभी किसी मंत्री के पास, कभी किसी एमएलए के पास, कभी किसी एमपीए के पास जाती है। इसके बाद मोमिन साहब लाइव में आके उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा कि सीमा अपनी मनमानी कर रही है, जहां जाती, जहां जाना चाहती है वहां चली जाती है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जो लोग हमारे ऊपर भौंक रहे थे उनको उनके मुंह पे जोरदार जन्नाटेदार तमाचा मारा, चमाट मारी मोमिन मलिक साहब ने। तो ये एक खबर आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं कि सीमा जो है रबुपुरा से भाग गई है। वो भगोड़ी है, उसने भागना तो था, पाकिस्तान से भागी, शादी करने से पहले जब नाबालिग थी तब भी भागी, शादी करने के बाद भी भागी, पता नहीं कितने लोगों के साथ भागी यहाँ पाकिस्तान में, यहाँ से फिर हिंदुस्तान भागी, वहाँ भगोड़ी, उसको तस्दीक शुदा मतलब एक लकब दिया गया, भगोड़ी थी, भाग गई। अब रबुपुरा में दिन दिहाड़े गधे पे सवार होकर भाग गई। तो दोस्तों सीमा किसी के हाथ नहीं आने वाली, किसी के हाथ नहीं आने वाली, इसीलिए वो सब कुछ अब जो उसको, क्योंकि पुलिस प्रशासन रबुपुरा की मैं बात कर रहा हूं उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, तो वो अब गधे पे सवार होके हो सकता है किसी एसएचओ के पास गई हो, किसी एमएलए के पास गई हो, या कोई अपना काम, अपना मिशन के हसूल के लिए, अपने मकासद के हसूल के लिए यहां से भाग गई हो। इधर आओ, एक रबुपुरा का एक शख्स है, रबु इधर आओ। सीमा यहाँ गधे पे सवार होके भाग गई है, आपने देखा था? हाँ देखा था। कितने बजे भागी है? दो बजे। हाँ। ये देखे दोस्तों, ये रबुपुरा के एक बच्चा है और इसका कहना है कि दोपहर को 2 बजे भागी है गधे पे सवार होके। फिर किस साइड पे गई है बताएं? इधर भाग गए, उधर से सड़क जा रही है ना, उधर की तरफ भाग रही। दोस्तों इसके पीछे एक बड़ी सड़क है, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। ये जो घर देख रहे हैं इसके पीछे एक बड़ी सड़क है, कहा जा रहा है कि गधे पे सवार होके सीमा इस तरफ भाग गई। और उसके पीछे फिर आप लोग ने तलाशी नहीं की, कहाँ गई? नहीं, हम लोग नहीं गए। क्यों? ऐसे ही तंग आ गए हो? हाँ। क्यों तंग आ गए हो? वो हर किसी के साथ भाग रही है। दोस्तों देखिए, ये बच्चे का कहना है कि वो हर एक के साथ भाग जाती है, तो हमें कोई जरूरत नहीं कि उसका पीछा करें, उसको तलाश करें, वो आएगी, भगोड़ी है, भाग गई, फिर आएगी रात को, वो अपने चस्के के लिए कहीं चली गई होगी। तो दोस्तों सीमा के हवाले से मैं यहाँ पे बताता चलूं कि जो लोग वीडियो पूरी देखेंगे उनको समझ आएगी। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को शुरू से ही ये बताता आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बताता चलूँ तमाम उन हराम खोरों को, मुनाफिकों को, हासिदों को, बखीलों को, बेगैरतों की, जो कि ना नस्ल के हैं ना अक्ल के हैं, वो बेनस्ली हैं, जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, मैं उनको बताता चलूँ। 3-3 महीने हो गए थे सीमा हैदर मामले में सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई थी। 3-3 महीने के बाद हिंदुस्तानी यूट्यूबर या पाकिस्तानी यूट्यूबर मैदान में आए, सबसे पहले हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल के बाद सबसे पहला पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूं जिसने सीमा मामले में और अंजू के बारे में मैंने आवाज उठाई थी। तो मैं उनके लिए जो हमारे खिलाफ भौंकते हैं, ये जूता देखें, ये उनके लिए है। तो अगर आप लोग इस तरह की बात करेंगे ऑफ कैमरा होके या ऑन कैमरा होके, तो फिर मैं तुम्हारी किसी को नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हैं ना। तो देखें दोस्तों सीमा के बारे में यही कहा जा रहा है, वहां से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कि उसको शरण दे दिया गया है, बाकायदा तौर पर शरण दे दिया गया है। हम नहीं कह रहे, वहां के लोग हैं, हिंदुस्तान के चैनल के ऊपर इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि उसको शरण दे दिया गया है। हम नहीं मानते क्योंकि CAA जब से लागू है 2014 से पहले जो लोग आए हैं उनको नागरिकता शरण वगैरह मिल सकता है, लेकिन सीमा किसी भी तरह से इस CAA में लागू, इस जो एडजस्ट नहीं हो सकती, तो सीमा को कैसे दिया जाएगा? सीमा एक ऐसी औरत है जिसने पता नहीं काउंटलेस घर तबाह किए, ना सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी, यहां भी इसने किसी को नहीं छोड़ा।
तो उसको क्यों क्यों उसको प्रमोट किया जा रहा है, इसको क्यों उसको सपोर्ट की जा रही है, सवाल पैदा होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो रबुपुरा की पुलिस है, ग्रेटर नोएडा की पुलिस है, उसके साथ मिली हुई है। आपने मेरे प्रोग्राम में, मेरे चैनल पे दो तीन दिन पहले राजवर्धन परमार के हवाले से एक वीडियो देखी होगी, उसने SHO जेवर को फोन किया तो उसने क्या कहा कि सीमा जो कर रही है उसका निजी मामला है। शर्म से डूब मरना चाहिए उस दगड़ दल्ले SHO को जो ये कहता है। सीमा कुछ भी करे, सीमा रात को निकल जाए वहां जाके कुछ कोई भी कांड करे तो उसका निजी मामला है, फिर तुम लोग क्या कर रहे हो, फिर तुम्हारी ड्यूटी क्या है? शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं उस जेवर पुलिस SHO को बोलना चाहता हूं जो इस तरह की बातें कर रहा था। तो दोस्तों, जब पुलिस ये करेगी, जब पुलिस इस तरह से बोलेगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना दोस्तों। ये हम लोग देखें, ये तो उसको जलील करने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं फनी, ठीक है ना। जो हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि इस तरह की मैं तो वीडियो बनाता हूं, मेरा अपना स्टाइल है। जो हमारे ऊपर भौंकते हैं उनकी माँ बहन एक करने वाला हूं, उनकी माँ बहन की लिस्टें तैयार है, भले ही वो कहीं से भी हो, नहीं छोड़ूंगा। नाम ले लेकर उनकी मैं पूरा बायोडेटा दिखाऊंगा कि इनके घर वाले कैसे हैं, तो वो वेट एंड वॉच, ठीक है। तो ये मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना अंदाज है, मैं अपने अंदाज में इनको देसी रगड़ा लगाता हूं। और मेरा फर्ज भी बनता है जब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है तो मैं इनको जलील करूं। AP सिंह, सीमा, नित्रपाल, सचिन, इनको टारगेट करना मेरा मिशन है, इनको जलील और रुसवा करना मेरा मिशन है। ये कभी भी भाई इज्जत जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो मैं एक फन पे मबनी वीडियोस बनाता रहता हूं, जिन्होंने शुरू से लेकर अभी तक वो देख रहे होंगे उनको तो अंदाजा हो गया है, जो पहले कमेंट्स एक मिनट देख के कमेंट्स करते हैं, उनको जो गलत कमेंट करते हैं उनके गले में कुत्ते वाला पट्टा डाल के मैं उनको ब्लॉक कर देता हूं। फिर अपना कमेंट देख लिया करें कि आप कमेंट में नजर आते हैं या नहीं। तो दोस्तों, सीमा के हवाले से बड़ी मुतजाद खबरें आती हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स पहुंचती हैं। कुछ ऐसे हलके हैं वो ये कहते हैं कि सीमा को नागरिकता शरण या जो पनाह है, पनाह का दर्जा दे दिया गया, उसके पास बाकायदा डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं। और दूसरे तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और हमारा मानना भी यही है कि सीमा के साथ कुछ नहीं होने वाला, सीमा को ऐसा नहीं मतलब स्टेटस वगैरह नहीं दिया जाएगा। हाँ, किसी भी, क्योंकि जब तक कोई मिशन या जो भी मकसद है अगर वो पूरा नहीं हो पाता तब तक इसको भरपूर तरीके से अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाएगा, अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, अभी 10-12 दिन पहले हम लोगों ने खुलासा किया, अरशद भाई ने बबीता रानी को कॉल की, उसने बताया कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं, सीमा न्यू दिल्ली में मौजूद है, ठीक है। इसके बाद फिर मोमिन साहब ने भी इस बात की तरदीद की कि ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो आजाद है। लेकिन दोस्तों, 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीमा कभी मंदिर जा रही होती है, कभी न्यू दिल्ली जा रही होती है, आसपास के जो अगल बगल के एरियाज हैं 20-15 किलोमीटर के अंदर अंदर या इससे भी ज्यादा रात को दूर निकल जाती है, वो आजाद है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। सीमा के हवाले से हम लोगों ने कई मरतबा ये बोला कि सीमा को किसी भी मकसद के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका डायरेक्टली जिम्मेदार वो भड़वा है, AP सिंह, जो कि दगड़ दल्ला प्रो मैक्स है, वही होगा, क्योंकि वही कर रहा है। और अब करवा चौथ के मौके पर वो अपनी बहन बेटी को साथ लेके आता, अपनी नवासे नवासियों को लेकर आता, उनके नाम चेंज करता। भड़वा एक सुअर की नस्ल का, वो हमारे चार मासूम बच्चों को साथ बिठा के उनके नाम चेंज करने के लिए लगा हुआ है। भड़वा, तू, तेरे को जीते जागते देखेंगे, तू जलील और रुस्वा होके इस दुनिया से मरेगा, तू इस दुनिया से निमटेगा। तू अकेला तो निकल नहीं सकता, तू अकेला सफर नहीं कर सकता, तू जहां निकलता है, जहां जाता है, तेरे साथ गार्ड होते हैं, तू जब भी अकेला होता है कोई ना कोई तेरे साथ हादसा पेश आता है, तेरा टकला सर लहूलुहान लोग कर देते हैं। तू ऐसे आजाद जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर सीमा के बारे में तू सोच रहा है लड्डू के चक्कर में या सीमा के हवाले से उससे कुछ उससे कमाई करवाना चाहते हो तो कमाई तो तुमने कर ली, लेकिन अगर सीमा के हवाले से कुछ फ्यूचर में सोचा हुआ है तो वो भी कभी आजाद नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूं। मैं उन तमाम दोस्तों को जो प्यार देते हैं उनके लिए तो लव यू है, जो कि कुछ ऐसे मुनाफिक हैं जिनकी ना शक्लें हैं ना अकलें हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो उनकी तो माँ बहन एक करता रहता हूं और करूंगा आने वाले दिनों में, उनकी मैं लिस्ट है, उनका नाम लेकर बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।